दरअसल करियर के शुरू से ही धर्मेंद्र के नाम को शराब से जोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया था। इतना कि फिल्म आए दिन बहार की शूटिंग के समय पहली बार उनके साथ आई अभिनेत्री आशा पारीख ने फिल्म निर्माता जे ओम प्रकाश से कह दिया था कि धर्मेंद्र शराब पीकर शूटिंग पर आएंगे तो मैं उनके साथ शूट नहीं करूंगी। दोस्तों, एक समय था जब धर्मेंद्र और आशा पारीख आपस में बात करने में भी हिचकिचाते थे, लेकिन 2 साल के भीतर दोनों की केमिस्ट्री ऐसी जमी कि दुनिया देखती रह गई। धर्मेंद्र को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जबरदस्त धुन मिली, मोहम्मद रफी की बेमिसाल आवाज मिली। उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। मोहम्मद रफी के दिए इस तीर से धर्मेंद्र ने अचूक निशाना लगाया। ऐ मेरे यार, ऐ हुस्न वाले। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, धर्मेंद्र की और मोहम्मद रफी की। हम बात करेंगे संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी के उन सुपरहिट गानों की जिन्होंने धर्मेंद्र को लोकप्रिय बनाया, उन्हें अलग पहचान दी। दोस्तों, 35 साल के अपने लंबे करियर में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जिन अभिनेताओं के लिए सिग्नेचर ट्यून्स बनाए उनमें धर्मेंद्र का नाम सबसे ऊपर है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धर्मेंद्र के लिए जो ट्यून्स बनाए उनमें सबसे ज्यादा ट्यून्स धर्मेंद्र के सिग्नेचर ट्यून्स साबित हुए, सिग्नेचर सॉन्ग साबित हुए। दोस्तों, सिग्नेचर ट्यून उस ट्यून को कहते हैं जिसके आधार पर बनाया गया गाना किसी अभिनेता या अभिनेत्री को लोकप्रिय बनाता है, उसे अलग पहचान देता है। सिग्नेचर ट्यून के आधार पर बने गानों को सिग्नेचर सॉन्ग कहा जाता है। दोस्तों, साल 1967-68 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपने बेस्ट फॉर्म में थे। 1967 में ही उनकी फिल्म मिलन आई थी जिसके गानों ने देश भर में धूम मचा दी थी, और 1967 में ही आई थी फिल्म आए दिन बहार की, और यही वो फिल्म है जब धर्मेंद्र और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पहली बार साथ आए थे। और कमाल देखिए कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धर्मेंद्र की पहली ही फिल्म में उन्हें अपना पहला सिग्नेचर सॉन्ग दे दिया। ये गाना धर्मेंद्र की पहचान बन गया। गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि 1967 में बिना का गीतमाला में ये 13वें नंबर पर रहा। जिए तो इस तरह के जिंदगी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कभी कहा था कि ये गाना इसलिए इतना लोकप्रिय हुआ क्योंकि इस गाने को धर्मेंद्र ने पर्दे पर बहुत गुस्से में गाया। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती। इस गाने को लिखा है आनंद बख्शी ने। 1967 के बाद आया 1968, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का एक और बेहतरीन साल। इस साल आई फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त। इस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी ने 3 गाने गाए और तीनों गाने धर्मेंद्र के सिग्नेचर सॉन्ग बन गए। इन तीनों गानों ने धर्मेंद्र को बेहिसाब लोकप्रियता दी। लचकाए शाख बदन। इस गाने में धर्मेंद्र अपने उसी अंदाज में दिखते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। दरअसल करियर के शुरू से ही धर्मेंद्र के नाम को शराब से जोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया था। इतना कि फिल्म आए दिन बहार की शूटिंग के समय पहली बार उनके साथ आई अभिनेत्री आशा पारीख ने फिल्म निर्माता जे ओम प्रकाश से कह दिया था कि धर्मेंद्र शराब पीकर शूटिंग पर आएंगे तो मैं उनके साथ शूट नहीं करूंगी।
ये अलग बात है कि इस फिल्म के बाद आशा पारेख और धर्मेंद्र अच्छे दोस्त बन गए और दोनों ने मिलकर दुनिया को 6 सुपरहिट फिल्में दी। छलकाए जा आइए आपकी। दोस्तों, फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का एक और गाना है जो धर्मेंद्र का ऐसा सिग्नेचर सॉन्ग साबित हुआ जो लोगों के दिलो दिमाग पर अब भी तारी है। शाम उनका ख्याल आ गया। इस मेरे हमदम मेरे दोस्त का तीसरा गाना भी धर्मेंद्र का सिग्नेचर सॉन्ग साबित हुआ। ना जा कहीं अब ना जा। मोहम्मद रफी के इन तीनों गानों को लिखा है गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने। यही दिल पूछा तेरा ए मेरे हमदम मेरे दोस्त। 1968 के बाद आया 1969 और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मोहम्मद रफी और धर्मेंद्र की फिल्म आई आया सावन झूम के। आशा पारेख और धर्मेंद्र की जोड़ी आए दिन बहार के में अपना रंग दिखा चुकी थी। इस फिल्म में दोनों एक कदम और आगे बढ़े और ऐसे बढ़े कि दुनिया उनकी मुरीद हो गई। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। इस गाने में हमेशा की तरह एक बार फिर स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफी का बड़ी खूबसूरती के साथ साथ निभाया। मैंने माना कि जीना लगे। दोस्तों, एक समय था जब धर्मेंद्र और आशा पारेख आपस में बात करने में भी हिचकिचाते थे, लेकिन 2 साल के भीतर दोनों की केमिस्ट्री ऐसी जमी कि दुनिया देखती रह गई। ओ छोड़ो ये बहाना कि जीना लगे। फिल्म निर्माताओं के लिए धर्मेंद्र और आशा पारेख की जोड़ी अब सुपरहिट फिल्म की गारंटी बन गई। साथियां नहीं जाना कि जीना लगे। 1969 के बाद धर्मेंद्र और आशा पारेख की जोड़ी ने एक बार फिर कमाल दिखाया 1971 में। फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश। मार दिया जा, छोड़ दिया जा। इस फिल्म में डाकुओं की कहानी है। डाकू वाली फिल्म तब लोगों को खूब रोमांचित करती थी क्योंकि उस समय तक डाकू हिंदुस्तान के छोटे बड़े कस्बों और गांवों में आकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते रहते थे। तो डाकू वाली ये फिल्म भी चली और ऐसी चली कि इसने डाकुओं पर बनी अगली पिछली सारी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। इस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धर्मेंद्र को एक ऐसा गाना दे दिया जो उनका सिग्नेचर सॉन्ग बन गया। दूर अकेले देश के मेले याद आते हैं। इस गाने में भी मोहम्मद रफी का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। थम थम बजती है पायल। गाने को लिखा है आनंद बख्शी ने। 1971 के बाद 1973 में धर्मेंद्र आए मुमताज के साथ। फिल्म थी लोफर। आज मौसम बड़ा बेईमान है। इस गाने में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जैसा संगीत दिया, जैसी धुन बनाई, उसने इस गाने को एक अलग ही रंग दे दिया। एक ऐसा रंग जिसमें प्रकृति साथ साथ चलती है। गाने में मौसम जैसे करवटे बदलता दिखाई देता है। आने वाला कोई तूफान है कोई। धर्मेंद्र को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जबरदस्त धुन मिली, मोहम्मद रफी की बेमिसाल आवाज मिली। उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। मोहम्मद रफी के दिए इस तीर से धर्मेंद्र ने अचूक निशाना लगाया। ऐ मेरे यार, ऐ हुस्न वाले। इस गाने को भी लिखा है गीतकार आनंद बख्शी ने। 1973 के बाद 1975 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मोहम्मद रफी ने धर्मेंद्र को एक और सुपरहिट सिग्नेचर सॉन्ग दिया। उसने तो कहा हर बात को इशारे में। इस गाने में धर्मेंद्र पूरे मूड में है। उनके हाथ में एक बार फिर है शराब और महबूबा का प्यार का नशा। मैं जट यमला पगला दीवाना हूं रब्बा। इस गाने को भी लिखा है आनंद बख्शी ने।
दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना है कि धर्मेंद्र 1969 से लेकर 1977 तक लगातार लोगों की पसंद बने रहे। लोगों का कहना है कि राजेश खन्ना भले ही देश के पहले सुपरस्टार रहे और 1969 से 1971 के बीच उनकी सिर्फ दो फिल्में ही फ्लॉप हुई, लेकिन 1971 के बाद राजेश खन्ना में कंसिस्टेंसी नहीं रही, जबकि धर्मेंद्र 1971 के बाद भी सबसे बड़े स्टार रहे। और अगर बाजार के हिसाब से देखें तो धर्मेंद्र 1969 से 1977 तक नंबर वन स्टार बने रहे। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।